नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था, साफ साफ किया था, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो थे बुलिश थे और बड़े प्लेयर्स ने कॉल बाइंग भी कर रखी थी और साथ में पुट सेलिंग भी कर रखी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेड कैट बाउंस था वो एक्सटेंड होना था मार्केट के अंदर डेड कैट बाउंस, और ये डेड कैट बाउंस जो था वो एक्सटेंड हुआ भी। दोस्तों, ये चीज़ हमने कल डिस्कशन कर रखी थी और आज मार्केट के अंदर क्या हुआ चेक कर लेते हैं। अभी जो लाइंस बनी हुई हैं इनको भी मैं अभी आगे जाके वीडियो के अंदर डिस्कशन करूँगा, लेकिन अभी मैं जहाँ पे फोकस कर रहा हूँ वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। दोस्तों देखिए, मार्केट आज गैप अप खुला, मतलब ठीक, ये मैं 5 मिनट का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। तो आज मार्केट अच्छा खासा गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद मार्केट को ऊपर लेके जाया गया, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गया और मार्केट के अंदर यहाँ पर इस लेवल पे ठीक है, इस कैंडल के बेसिस के ऊपर यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर यहाँ पर पोजीशंस क्लोज की गई। किसके द्वारा? बड़े प्लेयर्स के द्वारा, जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पर प्रॉफिट में थे। क्यों? क्योंकि कल वो लोग ऑप्शंस में बुलिश पोजीशंस कैरी करके जा रहे थे और वो बुलिश पोजीशंस को क्लोज करके चले गए। कहाँ पर? ये जो मैंने आपको कैंडल दिखाई यहाँ पर। तो जो क्योंकि अगर बुलिश पोजीशंस कैरी करके गए हैं तो खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, डेफिनेटली बड़े प्लेयर के हिसाब से मार्केट चलेगा। फिर बड़ा प्लेयर जहाँ पे अपनी पोजीशंस क्लोज करना चाहेगा वो कर सकता है इजीली, क्योंकि वो प्रॉफिट में हो चुका होगा। तो इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने आज अपनी पोजीशंस क्लोज की। जैसे ही मार्केट में पोजीशंस क्लोज की, वहाँ पर मार्केट के अंदर फिर गिरावट भी आई और ये वॉल्यूम के साथ गिरावट थी, इस बात को ज़रा देखिएगा। दूसरी चीज़ कि जब मार्केट यहाँ पर थी, इस लेवल के आसपास थी, एग्जैक्ट रिवर्सल मैंने आपको पकड़ के दिया। और आज का ही नहीं, ये रिवर्सल मैं आपको पकड़ के दे रहा हूँ, पिछले 3 रिवर्सल हमने बहुत सिंपल तरीके से पकड़े हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं देन डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता होगी। अगर आप नहीं जुड़े अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ, तो ये चैनल आपको, इस चैनल का लिंक जो है आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेक करना। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, ओरिजिनल के साथ जुड़िएगा। ओरिजिनल के अंदर 6,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं। दोस्तों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए आपको मैं यहाँ पर क्लियर यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको 1 बजे के आसपास एग्जैक्टली अपडेट कर दिया था आज अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है वो पोजीशंस क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको थोड़ा टाइम लग सकता है दूसरी नई पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है अपनी बुलिश पोजीशंस क्लोज कर रहा है, 1 बजे के आसपास मैंने समझा भी दिया था। फिर जो उनकी नई पोजीशंस बनी वो भी मैंने आपको अपडेट कर दी थी कि बड़ा प्लेयर कोई है। अब ये बड़ा प्लेयर कौन होता है ये हमको नहीं पता होता लाइव मार्केट के अंदर, याद रखना। तो ये हमको क्लोजिंग डाटा बताता है कि वो बड़ा प्लेयर कौन था, लेकिन कोई ना कोई बड़ा प्लेयर ज़रूर होता है। तो ये बड़ा प्लेयर जो भी था, इन्होंने अपनी कॉल राइटिंग शुरू करी एग्जैक्टली 1:37 पे अपडेट दिया मैंने आपको। तो ये 1:37 से पहले ही इन्होंने कॉल राइटिंग शुरू कर दी थी, 17,900 का कॉल बेचा था इन्होंने और 125 रुपये पर इन्होंने बेचा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको अपडेट कर दी थी आज। तो 1:09 के ऊपर जो है आपको यहाँ पे अपडेट मिल चुका था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि आज मार्केट के अंदर जो है वो रिवर्सल होने वाला है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वहाँ पर बड़ा प्लेयर अपनी बुलिश पोजीशंस को क्लोज कर रहा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे समझनी होगी। जब कभी भी बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस क्लोज करेगा ना, तो मार्केट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में भागेगी, याद रखना इस चीज़ को। तो दोस्तों अभी ये चीज़ जो है आज का रिवर्सल मैंने पिक करके दिखाया आपको, आपको मैं और दिखा देता हूँ। देखिए 15 सितंबर को, 15 सितंबर को भी हमने 18,050 के आसपास रिवर्सल पिक किया था, ठीक है। तो वो भी आप जरा चेक कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, यही यहाँ पर मैसेज डाला था, ठीक। और ये चेक कर लीजिए 9:43 के ऊपर 15 तारीख को यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मैंने आपको सबको बता भी दिया था कि भाई यहाँ पर रेसिस्टेंस 18,100, 18,200, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी था कि वी हैव क्लोज्ड अवर लॉन्ग्स, यानी कि बुलिश पोजीशन से हम निकल चुके थे 15 तारीख के आसपास, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हम रेगुलरली टॉप और बॉटम जो भी रिवर्सल्स हैं मार्केट के वो पकड़ रहे हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर हेल्प भी मिल रही होगी, क्लियर। तो ओवरऑल इस तरीके से हम लोग
और देखिए 15 तारीख को भी पकड़ा था रिवर्सल हमने, और आज भी पकड़ा। और साथ में आप ये देख लीजिए, यहाँ पर जब कल मार्केट 17,440 के आसपास था तब भी हमने रिवर्सल पकड़ा था। यहाँ पे हमने साफ साफ लिख भी दिया था कि हम लोग अपनी पूरी की पूरी बेयरिश पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं 17,440 के आसपास। तो ओवरऑल हम लोग रिवर्सल्स पकड़ रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से पकड़ रहे हैं। अब ये क्यों पकड़ रहे हैं, अब देखिए 41 के आसपास, ए 1:09 मतलब 1:09 के आसपास, यहाँ पे इस कैंडल के आसपास मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर पोजीशंस बुक करना शुरू कर चुका है, लॉन्ग पोजीशंस बुक करना शुरू कर चुका है। ठीक है, तो याद रखना इस तरीके का अपडेट पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस चीज़ को ख्याल रखना। अब दोस्तों बात करते हैं आगे की। देखिए दोस्तों, अब जो है कल क्या है, कल एक बहुत बड़ा इवेंट है। क्या कि फेड का इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है। ठीक, तो मैं आपको अभी डाटा अपडेट कर दूंगा, लेकिन फेड का इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है। किसी को भी नहीं पता क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ज़रूर, ये तो सबको पता है, लेकिन कितना बढ़ेगा, 1% बढ़ेगा या फिर 0.75 पॉइंट बेसिस बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना बढ़ेगा आप उन लोग नहीं जानते, और इसको कोई भी नहीं जानता, ये मुझे डाटा पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, बड़े प्लेयर्स के बड़ा प्लेयर जो है वो FII है, वो क्या कर रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर, वो याद रखना, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। बड़ा प्लेयर ना अपनी क्वांटिटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, क्वांटिटीज़ को क्या कर रहा है, वो क्वांटिटीज़ को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वो क्लोज कर रहा हैवी क्वांटिटीज़ को। और वो ये चाहता है कि जब हम इवेंट के अंदर एंटर करें तो उसके पास बहुत लाइट क्वांटिटी हो, इतनी क्वांटिटी हो जितनों को वो हैंडल कर सकता है इजीली, क्योंकि किसी को भी नहीं पता यहाँ पे इवेंट के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो आज जो सिनारियो मिला डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर, वो हमको यही देखने को मिला कि सब प्लेयर जो हैं अपने अपने पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं इवेंट से पहले। तो यहाँ पर कोई भी श्योर नहीं है कि मार्केट के अंदर क्या होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि हर प्लेयर ने आज जो है एक ही काम किया है। देखिए क्या काम किया है कि प्रोप्राइटर्स ने भी दोनों तरफ की पोजीशंस हल्की की, मतलब क्लोज़ की। FIIs ने भी यहाँ पर तो कोई ज़्यादा एडिशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर पोजीशंस क्लोज़ की शॉर्ट वाली, क्योंकि उनकी बहुत हैवी शॉर्ट पोजीशंस थी। DIIs ने भी कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करी कल परसों, लेकिन आज इन्होंने थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, हो सकता है ये कल इनको क्लोज़ कर दे। रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। तो यहाँ पर FIIs से मिलके, मतलब FIIs के साथ साथ प्रोप्राइटर्स भी, हर कोई अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर रहा है, चाहे वो कोई सी भी तरफ की पोजीशंस हो। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। तो आज हमको पोजीशंस क्लोजिंग का ज़्यादा सिनारियो मिला, बल्कि पोजीशंस बनने से ज़्यादा पोजीशंस क्लोजिंग का सिनारियो मिला। ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ना कि ऑप्शंस की। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ा प्लेयर जो है वो श्योर नहीं है कि फेड के साथ क्या होगा, फेड की मीटिंग के अंदर क्या होगा, इसलिए वो अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहा है। इससे हमें क्या सीखना है, इससे हमें ये भी ये सीखना है कि कल अगर जब हम मार्केट क्लोज होने के वक्त, हम भी इस बात को याद रखें कि हम अपनी क्वांटिटीज़ को उतना लेके जाएं कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी खुल जाए फ्राइडे को या थर्सडे को मॉर्निंग को, तो मतलब हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये काम FIIs कर रहे हैं, तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना होगा, याद रखना इस चीज़ को, ये डाटा पॉइंट बता रहे हैं। तो आज हर तरफ पोजीशंस क्लोज हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज जो डाटा है वो क्लोजिंग की वजह से, पोजीशंस क्लोजिंग की वजह से यहाँ पर ये दिख रहा है, कोई नई पोजीशन याद रखना नहीं बनी है। तो इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की, तो इनका डाटा ओवरऑल पॉजिटिव हो गया है अब। ठीक है, FIIs ने भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं, तो अभी भी इनकी शॉर्ट पोजीशंस 1,13,000 के आसपास हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। DIIs भी अपनी पोजीशंस थोड़ा सा बढ़ाया उन्होंने आज यहाँ पर अपनी पोजीशंस को, तो इनकी 1,15,000 के आसपास है। और ये रिटेल ट्रेडर्स भी अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, तो मतलब इनकी पोजीशंस भी वहीं आज आ गई हैं जहाँ पर ये थे, 1,19,000 के आसपास, तो 87,000 ज़्यादा है मतलब, बट इनकी 5,500 से घट घट के अपनी पोजीशंस यहाँ पे ले आए। तो हर कोई बंदा अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहा है फेड की मीटिंग से पहले, तो आपको भी यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के अंदर यही करना चाहिए, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें थी आपको अपडेट, जो कि यहाँ पर मुझे डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर सीखने को मिला आज के दिन, और आपको भी ये अपडेट पता होनी चाहिए। तो आज कोई भी नया पोजीशन नहीं बना, और यही चीज़ आपको अपडेट यहाँ पर भी मिल रही है मार्केट हेल्थ रिपोर्ट के अंदर। तो आज पोजीशंस क्लोज मिली, मार्केट ऊपर गया, कल पोजीशंस क्लोज हुई थी, मार्केट ऊपर गया, तो दोनों दिन जो है वो शॉर्ट कवरिंग हुई। बड़ा प्लेयर जो है वो 500 पॉइंट के आसपास, लॉजिक जो था 500 पॉइंट का हमारा, वो आज कंप्लीट हुआ उसका, पूरे 88 पॉइंट्स उसने आज अपसाइड मूव के अंदर पूरे के पूरे बुक करे। ठीक है, तो 500 पॉइंट का लॉजिक जो है वो हमारा कम्प्लीटली काम कर रहा है। तो जब से उनका
बॉटम आउट हुआ है लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो, जब से मतलब 488 पॉइंट यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्केट जा चुका है, याद रखना। ठीक है, तो ओवरऑल जो है पोजीशंस क्लोजिंग का सिनारियो मिल रहा है, कोई भी नई पोजीशन नहीं है, कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है फेड के अंदर क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए हर बंदा अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ भी बता रहा है, ये अभी कोई पोजीशन नहीं बना रहा यहाँ पर, मतलब बता रहा है यहाँ पर, तो इसमें भी कोई व्यू नहीं ले सकते हम लोग। ठीक, यहाँ पर भी फ्यूचर्स में कोई पोजीशन नहीं बन रही है, इसका भी कोई व्यू नहीं ले सकते हम। ठीक है, और अब बात करते हैं हम कौन सी ये वाली कि ऑप्शंस में क्या किया, किस इंसान ने क्या किया। तो ऑप्शंस में आज ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं की गई है FIIs के द्वारा, लेकिन जो पुट बाइंग की गई थी वो पुट बाइंग हुई है DIIs के द्वारा। ठीक है, 17,900 की पुट बाइंग हुई है ये, और ये कम से कम 105 रुपये के प्राइस के ऊपर हुई है। इस चीज़ का अपडेट मैंने अपने मेम्बर्स को दिया था लाइव मार्केट के अंदर। तो बड़ा प्लेयर जो था, जो मार्केट को आज नीचे लेके आया ना, वो कौन था, वो था DIII। ठीक है, और साथ में प्रोप्राइटर्स अपनी पुट राइटिंग को होल्ड करके बैठे हुए हैं, रिटेलर्स ने अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस को लॉस में बुक किया और ये अपनी पुट बाइंग की पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल FIIs पोजीशंस क्लोज कर रहा है फ्यूचर्स के अंदर, और ऑप्शंस के अंदर भी उसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर FIIs पोजीशंस खाली करने में लगा हुआ है बस, क्योंकि उसको लगता है कि फेड में कुछ ना कुछ वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी और वो अपनी पोजीशंस को लाइट कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो डाटा जो है वो यही बता रहा है कि कल के लिए हो सकता है मार्केट एक डिप दे दे, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है वो पोजीशंस क्लोज करने के लिए मतलब आतुर हैं फेड मीटिंग के अनाउंसमेंट से पहले, याद रखना है इस चीज़ को। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर। तो प्रेडिक्शन जो है वो क्या बोलता है दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई होगी, 11-12 मिनट हो गए, 3 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्शन क्या बोल रहा है, प्रेडिक्शन देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो ये जो बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर से, ये तो ये बता रहा है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड ही है, इसी के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है सब कुछ ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर। एक चीज़ ये देखिए, एक दूसरा ऑब्जर्वेशन भी ये भी है कि ये देखिए यहाँ से बॉटम को यहाँ से बॉटम में मिलाया, फिर ये बॉटम मिला, तो यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट एक बार और दो बार सपोर्ट ले चुका है, सॉरी, तो तीसरी बार भी यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है डेफिनेटली। तो हमारा ये एक सपोर्ट का लाइन बनेगा, ठीक है, सपोर्ट लाइन बनेगा, और सपोर्ट लाइन क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। तो वो सपोर्ट लाइन है दोस्तों 17,500 के आसपास, कहाँ पे 17,500 के आसपास। ठीक, तो 17,500 के आसपास और 17,550, मतलब एक रेंज बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ये 17,500 से लेकर 550 की रेंज हम ऐसी रेंज रखते हैं जो मार्केट के लिए इस वक्त सपोर्ट है, याद रखना इस बात को। तो सपोर्ट है तो हमको सपोर्ट के आसपास शॉर्ट नहीं करना, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये लाइन जो है एक सपोर्ट लाइन है, जब तक ये ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं जाती तब तक ठीक है, जब तक ये ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं जाती तो तब तक हम यहाँ पर बिल्कुल भी नई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे इस लेवल के आसपास, हमें यहाँ पर मार्केट मिलता है तो इस सपोर्ट के आसपास मिलता है तो। नीचे जाती है तो हम बना लेंगे सपोर्ट के टूटने के बाद असिस्ट, क्या कहते हैं, शॉर्ट पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और एक ये नया पैटर्न भी है, याद रखना, एक ये और एक ये राइजिंग वेज पैटर्न है। ठीक है, इस तरीके से इस राइजिंग वेज पैटर्न में मार्केट फंसा हुआ है। अब ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देगा या ऊपर की तरफ देगा ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है। ठीक है, वॉल्यूम कैसा है, अगर वॉल्यूम यहाँ पर डाउन जाता है आगे आने वाले दिनों के अंदर तो ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा, अगर यहाँ पर वॉल्यूम ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा। इस बात की अपडेशन हमको वॉल्यूम की हेल्प से मिलेगी, बट अभी जो है इस राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर मार्केट फंसा हुआ है और इसका रेसिस्टेंस जो है वो 18,100 के आसपास है और इसका जो सपोर्ट है वो है 17,500 के आसपास। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटीज़ को कंट्रोल कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज FIIs DIIs दोनों ने बाइंग किया लेकिन बहुत हैवी बाइंग नहीं करी है, इस बात का याद रखना। ठीक है, तो ये ख्याल ज़रूर माइंड में रखना, बहुत हैवी बाइंग नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं फटाफट से ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या दिखा रहा है, 29 सितंबर की खोली हुई है मैंने, तो आप 22 सितंबर की खोल लेते हैं फटाफट से। तो 22 सितंबर की ऑप्शन चेन क्या बता रही है भाई, चेक कर लेते हैं। तो 22 सितंबर की ऑप्शन चेन ये बता रही है कि 17,600 जो है बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है इस एक्सपायरी के लिए।
ठीक है, 17,600 का, ठीक, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है इस एक्सपायरी के लिए, इम्पॉर्टेंट है। 17,700 पे भी एक सपोर्ट है, तो मार्केट मतलब 500 का तो चार्ट पे सपोर्ट है और 600 पे ऑप्शन चेन का सपोर्ट है। तो अब आप समझ गए ना, 17,500 से लेके 17,600 इज़ अ परमानेंट सपोर्ट फॉर दिस वीक। अब ये न्यूज़ की वजह से टूटेगा तो वो परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन अभी लाइव मार्केट में ये चीज़ काम करेगी, ठीक। चलो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो सपोर्ट हमने समझ लिया, और असिस्टेंस जो है वो हमने समझ लिया, 18,000 का असिस्टेंस है, 17,900 से लेकर 18,000 का असिस्टेंस है, तो इस रेंज के अंदर मार्केट अगले दो दिन तक रह सकता है। 17,500-600 का ये सपोर्ट, 900-18,000 का ये सपोर्ट, तो इस रेंज के अंदर मार्केट दो दिन तक रह सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ये ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन जो है वो मतलब मैं उसको स्लाइटली क्योंकि बड़ा पेड़ यहाँ पर बेयरिश है तो वो भी DIIs, तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल तो है, बट क्योंकि न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है पोजीशंस इन द मनी के अंदर नहीं बन रही, ठीक है, यहाँ पर पोजीशन इन द मनी के अंदर बन रही है बट स्लाइटली बेयरिश है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि थोड़ा डिप आएगा, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ डिप जो है बाय हो जाएगा अगर वहाँ पे फ्रेश पोजीशन नहीं बनी, तो वैसे भी फ्रेश पोजीशन बन नहीं रही है, ठीक है। तो ओवरऑल ये व्यू है फिलहाल, और बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का क्या चाहता है वो भी चेक कर लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है। बैंक निफ्टी, ओके, तो बैंक निफ्टी आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना बैंक निफ्टी का, याद रखना वॉल्यूम गिर रहा है, इसका मतलब सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है, या तो वॉल्यूम वापिस आ रहे कल के दिन और तोड़ दे फिर, तो एक अलग बात है, लेकिन ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर वॉल्यूम गिरना ये एक अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस जो है वो काम करेगा शायद अभी इस हफ्ते के लिए, इंपॉर्टेंट है, तो इस रेसिस्टेंस के आसपास ये जो रेसिस्टेंस है ना, ये वाला रेसिस्टेंस ये काम करेगा, याद रखना, ठीक है। और सपोर्ट जो है वो यही है, तो अभी इसी के अंदर फंस गया मार्केट, तो अभी इसी के अंदर रेंज बाउंड रहेगा, जब तक इस लाइन के ऊपर ना जाए बाय मत करना, और जो आज का लो है कैंडल का उसके नीचे जाए तभी शॉर्ट करना, ठीक है। और शॉर्ट करोगे तो फिर आपको इस कैंडल का जो ये वाला लो है ना, इसके आसपास टारगेट मिल जाएगा जो कि है 40,000 के आसपास, ठीक है, सॉरी 40 नहीं, हाँ 40,000 के आसपास ही, ठीक है। तो ओवरऑल आज का जो कैंडल है ना, आज के कैंडल का लो, उसको टूटने देना तभी शॉर्ट करना, अदरवाइज शॉर्ट मत करना। बैंक निफ्टी इज़ मच स्ट्रॉन्गर इन लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, ठीक है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में मच स्ट्रॉन्गर है, इसलिए आज का लो टूटने देना तभी शॉर्ट करना, इसलिए शॉर्ट नहीं तो शॉर्ट मत करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो लंबी बन जाती है, माफ़ी चाहूँगा, पर आपके सामने ही है जो कुछ भी है, ठीक है, जैसा भी एनालिसिस आपके सामने है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।